जय हिंद। नमस्कार मेरे शेयर चैनल, स्वागत आप सबको अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली एसएससी जीडी 2025 को लेकर है। लगभग 40,000 पदों पर ये वैकेंसी आ चुकी है। आप सब फॉर्म में अप्लाई करना भी शुरू कर देंगे, साथ में तैयारी भी। आपने पीछे देखा होगा जैसे टाइटल में मैंने लिखा कि बेड न्यूज, स्टेट वाइज वैकेंसी में थोड़ा सा खेला हो गया। क्या खेला हो गया वो मैं आपको भी बताऊंगा, साथ ही ये वीडियो आपकी मदद करेगा कि आपको कौन सी फर्स्ट चॉइस देनी चाहिए। इसीलिए आपको वीडियो में लगातार बने रहना चाहिए। कई ऐसे स्टेट है जहां पर आप फर्स्ट चॉइस दोगे उसकी पोस्ट ही नहीं है, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, अच्छा लगे तो लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो शेयर भी करना है, ठीक है लाडलो। तो ये आपकी फर्स्ट चॉइस में भी मदद करेगा। देखो आपको पता है 40,000 पदों पर लगभग ये वैकेंसी है, 39,481 पदों पर, लगभग 40,000 पदों पर हम मान लेते हैं। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये जरूर देख ले। अगर हम बात करें स्टेट वाइज वैकेंसी कैसे आई है तो ये आपके लिए बहुत जरूरी है, जानना बहुत जरूरी है कि कौन से स्टेट को कितनी वैकेंसी। आंध्र प्रदेश में अगर हम बात करें तो लगभग 883 वैकेंसी मिली आंध्र प्रदेश को, कितनी 883 वैकेंसी। असम को देखो 4,079 वैकेंसी, यानी असम जो राज्य है वो छोटा, जबकि इसकी वैकेंसी सबसे ज्यादा बड़ी वैकेंसी है 4,079 यानी लगभग 70 वैकेंसी। उसमें भी देखो बीएसएफ के 1729 पद, सीआईएसएफ के 797 पद, सीआरपीएफ के 1120 पद, आईटीबीपी के 301 पद और असम राइफल का 122 पद। इसमें हमने एसएसएफ और एनआईए के नहीं जोड़े हैं, वो सेंट्रल लेवल पर होगी। एक चीज और बता देता हूं आपको, ये नोटिस और जो स्टेट वाइज जो नोटिस आया है कि किस किस राज्य को कौन कौन सी पोस्ट मिली है कैटेगरी वाइज, जैसे यहां पर हमने सिर्फ डिवाइड जो बताया आपको वो फोर्स वाइज बताया। अगर आपको कैटेगरी वाइज भी देखना है कि कैटेगरी वाइज कितने पद हैं, तो इसके लिए आपको गूगल पर जाके सर्च करना है रोजगार वाला, फिर वहां पर जाओगे एसएससी जीडी 2025 लिखा हुआ कॉलम है, उस पर क्लिक करोगे, वहां पर नीचे नीचे स्क्रॉल करोगे तो वहां लिखा जाएगा वैकेंसी स्टेट वाइज एंड कैटेगरी वाइज। अगर हम बात करें बिहार की, बिहार राज्य को टोटल केवल 1699 ही पद मिले, यानी लगभग केवल 1700। अब सोचिए बिहार और असम में कितना फर्क है स्टेट में, जबकि पद कितने हैं बिहार के पास 1699, उसमें से भी सबसे ज्यादा पद किसको मिले हैं, बीएसएफ सबसे ज्यादा पद। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की 1355, बात करें दिल्ली मात्र 268 पद मिले हैं दिल्ली को, यही खेला है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। इसी वजह से अब कट ऑफ ऊपर हिलेगी दिल्ली वालों की। हर बार क्या होता है आप स्टेट वाइज मेरे देखते नहीं है पद और फिर बाद में आप अनुमान लगा रहते हैं शायद राजस्थान से इतनी जाएगी, दिल्ली से इतनी जाएगी। अब आप खुद सोचो कि दिल्ली से मात्र 268 पद है, उसमें बीएसएफ के 109, सीआईएसएफ के, लड़कों और लड़कियों दोनों को मिलाकर है ये डाटा, ना कि केवल लड़का या लड़की। अगर हम लड़कों की बात करें तो यहां पर 268 में से 150 पद होंगे लड़कों के पास में, 100 पद लड़कियों के, बस पूरे दिल्ली स्टेट से केवल इतने कम पद। ये वीडियो उनको भी मदद करेगा जो रहने वाले थे किसी और स्टेट के, रहे अभी दिल्ली में रहे तो वो अपने स्टेट से डोमिसाइल बना के फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए आपकी मदद के लिए मैं ये वीडियो बना के लाया हूं। समझ गए, कई ऐसे बच्चे हैं जो दूसरे स्टेट में रहते हैं जबकि उनका मूल निवास कहीं और है, फिर वो उस स्टेट के डॉक्यूमेंट्स के बजाय अब देख लेना कौन सा डॉक्यूमेंट्स आपके काम में आएगा। अब अगर बात करें गुजरात की 1020 पद, हरियाणा 405 पद, सिर्फ 405 पद है भाई हरियाणा वालों, लड़कों और लड़कियों दोनों के मिलाकर। अब कट ऑफ जाएगी जाएगी हरियाणा से भाई ऊपर। जम्मू एंड कश्मीर में 1521 पद लाड लो, झारखंड में देखे तो 1164 पद है, कर्नाटक में देखे तो 974 पद है, केरला में अगर देखे 876 पद है, मध्य प्रदेश में 1519 पद है टोटल, महाराष्ट्र में देखे 2074 पद है, जो कि अच्छे पद है महाराष्ट्र से। अगर हम महाराष्ट्र से इस वैकेंसी को देखें, महाराष्ट्र से ये बहुत अच्छे पद है 2000 पद, लेकिन एमपी से देखो मात्र 1519 पद। लेकिन हाँ दिल्ली की उनकी बजाय अच्छे हैं, लेकिन बिहार और एमपी का हाल देखो आप। अब बात करें उड़ीसा की 1434 पद, पंजाब 515, पंजाब से 515 सफिशियंट है मुझे लगता है, ठीक है, लेकिन हरियाणा से कहीं कहीं तक दूर दूर तक 400 पद ठीक नहीं है। आपका दिल्ली से 268 पद मात्र पूरी 39,000 वैकेंसी में, ठीक है, लड़कों और लड़कियों दोनों के मिला के है लाडले जान रहे। राजस्थान से मात्र 1155 पद है पूरी एसएससी जीडी की वैकेंसी में, लड़कों और लड़कियों को मिला है, मुझे लगता है इसमें से लगभग 800 पद तो है लड़कों की और 300 के आसपास पद है लड़कियों का।
ये रेशियो है, जबकि फॉर्म कितने अप्लाई होंगे राजस्थान से, इसी खेले की बात कर रहा था। अभी आपको वो फर्स्ट चॉइस वाला भी पानी कहानी में बताऊंगा कि उसमें कैसे मदद करेगा ये वीडियो। तमिलनाडु से बात करें लगभग 1150 पद, तेलंगाना से 703 पद, त्रिपुरा से 469 पद, उत्तर प्रदेश से 3217 पद। अगर राजस्थान की बजाय हम उत्तर प्रदेश की इस बार वैकेंसी देखें तो ज्यादा बेटर है। और ध्यान रखना उत्तर प्रदेश वालों, दूसरे स्टेट के डॉक्यूमेंट बनाने की कोशिश भी मत करना, तुम्हारी वैकेंसी बाकी स्टेट से वैसे ही ठीक है। उत्तराखंड के 224 पद मात्र और वेस्ट बंगाल के 1861 पद। वेस्ट बंगाल से बिल्कुल बढ़िया वैकेंसी है, तो वेस्ट बंगाल वालों के तो लेके ठीक है। लेकिन सबसे खराब काम कहां हुआ है मैं बताता हूं, किस किस स्टेट का, राजस्थान का मात्र 1150 पद, जो कि बहुत कम है। राजस्थान स्टेट की अगर हम जनसंख्या की बात करें तो बहुत कम है, जितने बच्चे एसएससी जीडी की राजस्थान यूपी हरियाणा से तैयारी करते हैं उतने सहित पूरे हिंदुस्तान में कहीं से नहीं करते। इसके बाद में ले लो बिहार और मध्य प्रदेश, ठीक है, और इन्हीं पांचों राज्यों में पद कम है। इसके बाद में हम उत्तराखंड को देखो, मात्र 224 पद, ठीक है, बिल्कुल बेड़ा गर कर दिया है उत्तराखंड का। उसके बाद में मात्र ये रहा आपका मध्य प्रदेश, राजस्थान से कुछ ठीक है लेकिन उतना अच्छा नहीं है। और हरियाणा का देखो 405 पद, मात्र 405 पद है हरियाणा से एसएससी जीडी के, ठीक है लाड़ दो। और दिल्ली से तो मात्र 268 पद है भाई, यानी पंजाब से भी कम, सबसे कम पद 268 पद, सबसे कम है उत्तराखंड के, और उसके बाद में सेकंड नंबर पर है भाई दिल्ली, ठीक है। इसीलिए आपको स्टेट वाइज ये वैकेंसी पता होना बहुत जरूरी है। अब इसको भी कैटेगरी वाइज डिवाइड करके भी हमने डाल रखा है, जो साइड का मैं नाम बता रहा हूं आप नोट कर लेना, मैं आपको लिख के बता रहा हूं, ठीक है। रोजगार वाला डॉट इन लिख देना भाई, इस साइड पे जाना, स्टेट वाइज और कैटेगरी वाइज। अब ये फर्स्ट चॉइस में कैसे मदद करेगा, जैसे मैं आपको उसकी पीडीएफ है अपने पास में, तो देखो मैं आपके सामने एक बता भी देता हूँ, हाँ साइड में से देखिए, हाँ ये है ना, ये देखो जो साइड में बता रहा हूँ वो है रोजगार वाला, ठीक है, इस पे जाना और मैं आपको देखो बताता हूँ फर्स्ट चॉइस में कैसे मदद करे, यहीं पे भाई, चलो यहाँ पर आप इस भर्ती के पुराने पेपर भी देख सकते हैं और जिसका सिलेबस है वो भी हमने डिटेल में दिया, हिंदी इंग्लिश में दोनों नोटिफिकेशन दिए, ठीक है। और यहाँ पर कहा है स्टेट वाइज वैकेंसी पीडीएफ ये रहा। अब यहाँ पर ये फर्स्ट चॉइस आपकी कहाँ मदद करेगी वो देखो, उदाहरण के लिए समझना, यहाँ पर मैं आपको जूम करके थोड़ा सा लेके चलता हूँ, कहाँ पर लेके चलूँ आपको, लेके चलता हूँ मैं आंध्र प्रदेश में या अंडमान निकोबार में ले लो, या और के जैसे अरुणाचल प्रदेश में ले चलते हैं। यहाँ पर आप नाम देखें अरुणाचल प्रदेश, ऐसी कैटेगरी बीएसएफ की पोस्ट ही नहीं है। अब कोई ऐसी कैटेगरी का फर्स्ट चॉइस बीएसएफ देगा तो क्या उसको मिलेगी, कतई नहीं मिलेगी, तो उसको देनी नहीं चाहिए, ये उसकी मूर्खता है कि वो देता है, जब पद ही नहीं है तो कहां से मिलेगा। वैसे अब जैसे हम बात करें असम की, तो हर एक कैटेगरी में पद है। बिहार की बात करें, बिहार का भी हर एक कैटेगरी में पद नहीं, एसएसपी में बिहार से 0 पद है। अब कोई बिहार का बच्चा है, अब मुझे बताओ एसएसपी बिहार वाला पक्का देगा, क्यों देगा, नेपाल बॉर्डर लगता है नजदीक में, एसएसपी की ज्यादा ड्यूटी कहां होती है, नेपाल बॉर्डर पर, जबकि वो फर्स्ट चॉइस एसएसपी देंगे, लेकिन एसएसपी की तो पद ही नहीं है। मेल की बात कर रहा हूं अभी, ये मेल ही है ना, मेल वाला बोला है? हाँ। अब देखो एसएसपी बिहार से लाड़ लो, यहां पर देखो ये रहा बिहार 5वें नंबर पर। अगर हम बिहार से देखें, और ये सीआरपीएफ में पद है बिहार में, लेकिन एसएसबी में 0 पद है एसटी कैटेगरी। अगर कोई एसटी कैटेगरी का बच्चा है और बिहार से फॉर्म भरा है, वो एसएसबी फर्स्ट चॉइस दे रहा है, उसको कभी नहीं मिलेगी, तो उसको देनी नहीं चाहिए। हाँ आगे पोस्ट बढ़ जाए उसकी मैं बात नहीं करता हूं, अभी के हिसाब से असम राइफल में भी पद नहीं है एसटी कैटेगरी का, तो उसको नहीं देनी चाहिए।
ऐसे अगर हम बड़े राज्य की बात करें, चलो मैं आपको थोड़ा सा बड़े राज्य का नाम लेकर उसका बता देता हूं ताकि आपके समझ में आ जाएगा। वैसे मेरी बात समझ में आ गई होगी। मेरा कहने का मतलब है कि एसएससी जीडी में जो सीटें हैं सबसे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट पे आई, उसे स्टेट वाइज डिवाइड हो गई, स्टेट में भी कैटेगरी वाइज डिवाइड होगी। तो आप जिस कैटेगरी के हैं आपको देखना है कि उस कैटेगरी के आप फॉर्म भर रहे हो उसमें पद है या नहीं है, भले एक भी पद हो तब तो ठीक है, लेकिन एक भी ना हो तो। इसीलिए फर्स्ट चॉइस हमेशा थोड़ा सा सोच समझ के दीजिएगा। फर्स्ट चॉइस नहीं मिलती ना फिर कोई सी भी मिल जाती है, इसलिए फर्स्ट चॉइस थोड़ा सा दिमाग लगा के ठंडे दिमाग से सोचना। अब हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में टोटल जो वैकेंसी आई है उसमें मैं आपको बता दूं हर भर्ती के लिए पद अवेलेबल है भाई राजस्थान। हाँ हाँ ये किसकी है? हाँ ये मेल की है ना है? हाँ हाँ वो तो इसके अलावा भी ध्यान रखना। हाँ वो तो बता रहे हैं आगे। ये किसकी है? ये मेल कैटेगरी की है, ठीक है। इसमें स्टेट वाइज मेल का है सिर्फ, और वो भी जनरल डिस्ट्रिक्ट वाले। बॉर्डर और नक्सल की लिस्ट नीचे लगी हुई है, इसीलिए इसको एक बार आप पूरा देख लेना। अब जैसे हम अगर देखना चाहिए जैसे कई ऐसे जगह है, जैसे ये देखो ये कौन सा राज्य है? मणिपुर। मणिपुर से जैसे कईयों की पोस्ट नहीं है, कई कैटेगरी की पोस्ट है, 0000 आपको दिख रहे ना, तो आप उस स्टेट से कभी भी फर्स्ट चॉइस मत देना। आपकी कैटेगरी वाइज वहां सीट अलाउ होना चाहिए, और ये देखने के लिए आपको मैंने बता दिया क्या करना है। हमारे जो वेबसाइट है उस पर जाना है रोजगार वाला पे, और फिर आपको वहां पर जाके चेक करना है। लड़कियों को स्पेशली ज्यादा चेक करना है, लड़कों को भी चेक करना है, और सोच समझ के फॉर्म भरना है। नक्सलाइड एरिया से भी आपकी कैटेगरी कोई पोस्ट है या नहीं है, किस फोर्स की है, वो सोच समझ के भाई लाड़ दो। ये कहाँ पर काम आता है? जैसे मान के चलो दो बच्चे हैं, सेम नंबर है, एक ने सी आई एस एफ पद भर रखा है, एक ने बी एस एफ भर रखा। बी एस एफ की मान लो वहाँ पोस्ट नहीं तो वो बच्चा खाली जाएगा, और जिसने सी आई एस एफ भर रखा उसकी पद है उसको पहले मिलेगी। अब मान लो भर्ती यहीं क्लोज हो गई तो वो बाहर रहेगा, तो ये बहुत मैटर करता है। इसीलिए ये पी डी एफ एक बार देखना आप, आपकी सब इसमें क्या देखना, आपका स्टेट का नाम, अगर आप मेल है तो सबसे पहले ऊपर वाला जो पेज सबसे पहला पेज है, अगर आप मेल है जनरल डिस्ट्रिक्ट से तो ये पेज देखना, जूम करना है और देखना है कि आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो। उस कैटेगरी की बीएसएफ के कितने पद है, सीआईएसएफ के कितने पद है, सीआरपीएफ के कितने है, पेज में लिखना है, और फिर सोचना है कि मुझे कौन सा बनना चाहिए। अगर आप फीमेल है तो देखना चाहिए ये बॉर्डर एरिया से हैं तो ये पेज देखना चाहिए, उसके बाद में नक्सल और मिलिटेंट से ये देखना चाहिए, उसके बाद में नक्सल मिलिटेंट फीमेल का ये देखना चाहिए, और फीमेल अगर नॉर्मल है तो उनको ये देखना चाहिए। कुल मिला के फिर ये टोटल 39,481 पद होते हैं। तो ये पीडीएफ आपको देखने से पहले फॉर्म नहीं भरना चाहिए, इसीलिए मैंने बताया था वीडियो में बने रहना ताकि काम की बात बताऊंगा। और ये आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो लाड लो? जो रोजगार वाला वेबसाइट है इस पे जाओ, एसएससी जीडी अप्लाई लिंक भी, यहाँ से फॉर्म भी अप्लाई कर सकते हो और देख भी सकते हो, और बाकी वैकेंसियों का डाटा भी देख सकते हो। ठीक है, जय हिंद जय भारत।